नुहू तावड़ू की घाटी में हरियाणा रोडवेज बस के हुए ब्रेक फेल बड़ा हादसा होने से टला। बता दें, नुहू तावड़ू मार्ग पर अरावली पहाड़ में मंगलवार की सुबह हरियाणा रोडवेज की बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बस गहरी खाई में गिरते गिरते बच गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नुहू रोडवेज बस के परिचालक विक्रम से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह बस नारनौल से नुहू आ रही थी, जिसमें करीब 30-35 सवारियां मौजूद थीं। सुबह 9:15 बजे के करीब नुहू थाना सीमा के क्षेत्र में मेवात पॉइंट पर पहाड़ की ढलान में उतरते हुए अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और इसी दौरान बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। बता दें कि उन्होंने बस को टीले की ओर मोड़ दिया, जिससे बस उलझ कर रुक गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि बस में सवार लोग बुरी तरह से घबरा गए। इसी दौरान मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनकी मदद से सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगर चंद फोटो आगे बस बढ़ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस यात्र सरकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो सुबह नुहू में ड्यूटी पर आए रहे थे। लगभग 30-35 के आसपास। तो क्या हुआ था, क्या घटना घटी? इसका प्रेशर डाउन हो गया जी, गाड़ी का ब्रेक प्रेशर डाउन खत्म हो गया। टकराई किसी से नहीं की। अच्छा, ये बस नीचे उतर गई। नीचे उतर गई? हाँ, मतलब नीचे समझो ड्राइवर ने थोड़ा मिट्टी का वो था, उससे रोक लिया, रुक गई। तो हताहत कोई नहीं? ना कोई नहीं। किसी को चले थे? ये नारनौल 6:20 चलती होगी। कितनी देर की घटना है? ये यहाँ होगी जी लगभग 9:15 के आसपास की, 9:30-9:30। आपका नाम जी? विक्रम। ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम तो ध्यान नहीं है जी, नया आया है। चलो, इसमें किसी को कोई लगी हुई तो नहीं है? नहीं लगी। ठीक है। अरावली पर्वत के बीचों बीच तावड़ू से नुहू शहर के लिए ये सड़क मार्ग है, जिस पर न केवल तेज घुमाव है, बल्कि यहाँ पर इस घाटी में कई मोड़ हैं, काफी उतार चढ़ाव है। वहाँ यहाँ बड़ी मंद गति से आते हैं और इस घुमाव को देखते हुए उतार और चढ़ाव में पूरी तरह स्पीड पर काबू रखा जाता है। आज एक हरियाणा रोडवेज की बस जब सुबह नारनौल से सरकारी कर्मचारियों और यात्रियों को लेकर नुहू शहर की तरफ आ रही थी, तो यहीं पर उसके ब्रेक फेल हो गए थे। ब्रेक फेल होने के कारण चालक ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बस है वो यहाँ से सीधा इस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ गई थी और ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से बस को रोका था। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया था। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी। आप देख सकते हैं कि आगे खाई है, अगर बस खाई में जाती तो तकरीबन 30-35 यात्री उसमें सवार बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जान भी यहाँ जा सकती थी। लेकिन खबर यही मिल रही है कि सभी के सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये मुख्य मार्ग नुहू जिले का है, यहाँ वाहनों की आवाजाही जो है वो लगातार रहती है। जैसे ही बस को हादसे को शिकार होते हुए लोगों ने, आने जाने वाले लोगों ने देखा, तो यात्रियों को तुरंत वहाँ बस में से उतार दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस का जो निचला हिस्सा है, इन पत्थरों से जाकर के बस रुकी है। ये पत्थर जो है, ये पहाड़ के पत्थर भी इस समय यहाँ पर उले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऊपरी हिस्सा इनका है और इधर दूसरा हिस्सा बस का लगा था। बस तकरीबन पहाड़ के ऊपर 30 से 40 फीट तक आई थी और यहाँ पर आकर झूल गई थी। गनीमत रही, अगर 1-2 फीट बस आगे और चली जाती तो फिर गहरी खाई थी और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। अब हरियाणा रोडवेज की जो बस है वो यहाँ से ले जाई जा चुकी है, उसे अपने जो वर्कशॉप है नुहू शहर में वहां पर खड़ा कर दिया गया है। चालक जो है आज बस पर नया बताया जा रहा है। परिचालक विक्रम ने बताया था कि आज बस पर चालक नया आया था और अचानक से उसके ब्रेक फेल हो गए थे और ब्रेक फेल होने की वजह से ये जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन राहत की खबर यह है कि अरावली पर्वत के इस ऊंचे पहाड़ से अगर बस खाई में चली जाती तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन हल्की फुल्की चोटें ही यात्रियों का ही है। पूरे यात्री सुरक्षित हैं। जो सरकारी कर्मचारी थे वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं और जो यात्री थे वो अपने घर जा चुके हैं। कासिम खान, नुहू मेवात।